जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव यादव, गौरव फिजिकल अकेडमी गुना से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आर्मी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब आपकी टीए आर्मी होती है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, या फिर आपकी जो भी जिस भी पूरे ऑल इंडिया लेवल में जहाँ भी कहीं पर आर्मी होती है उसमें सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कोई रेजिमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, सभी जगह सेम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो देखिए, मैं एक एक चीज़ को आप एक कागज निकाल लीजिए। टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी संख्या 11, मतलब आर्मी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगना है वो लगना है 11। पहला ये है। दूसरा, 11 कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना है वो आप एक पेज निकाल के पूरा लिखते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले रहेगा आपका ये क्या है, एडमिट कार्ड। ठीक, तो जो आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो एडमिट कार्ड रहेगा पहला। क्या है, एडमिट कार्ड, तो यहाँ से ये एडमिट कार्ड रहेगा। दूसरे नंबर पे इसके बाद में जो आर्मी का आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, जो आपने आर्मी का फॉर्म भरा है वो रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा, रजिस्ट्रेशन वाला, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा है। सिक्वेंस भी आप ऐसे ही जमा सकते हो। इसके बाद में ये फॉर्म भरा है, ये दोनों पेज रहेंगे। ठीक, इसके बाद ये मार्कशीट उसका उसी में अटैच होके आती है, मार्कशीट भी साथ में, मतलब ये मार्कशीट साथ में आती है तब लगता है कि फॉर्म आपका फिलअप हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अगले पेज पे आते हैं। दोबारा से फिर क्या है, 10B की मार्कशीट, तो ये आपको वहाँ पे 10B की मार्कशीट लगना है। 10B की मार्कशीट के बाद में 12B की मार्कशीट, तो 12B की मार्कशीट लगना है। 10B की मार्कशीट, 10B के बाद में 12B की मार्कशीट, 12B की मार्कशीट के बाद में आपका रहेगा स्थानीय मूल निवासी, मतलब जो आपका मूल निवासी लिविंग सर्टिफिकेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये मूल निवासी आपका ये लगेगा। इसके बाद में अगला रहेगा आपका अन्य पिछड़ा वर्ग स्थानीय जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये आपका टोटल होना है, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। इसके बाद आते हैं आधार कार्ड, ये आपका आधार कार्ड एक बार लिंक होता है फिर दोबारा से चेंज नहीं होगा अगर आप फर्जी मार्कशीट बनवाते हैं तो। ये रहा आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद आप लगाएंगे फिर चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको आप बोलते हैं यहाँ से आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपका करेक्टर कैसा है, तो आपने कोई क्राइम तो नहीं किया। ये कहाँ से बनेगा, ये आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ से बन जाएगा, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ से बन जाएगा, या फिर आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन से ये आपको बनाकर दे देंगे, तो आप वहाँ पुलिस स्टेशन से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है शपथ पत्र, ये आपने जो करवाया है उसके बाद में शपथ पत्र यहाँ पे लग जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आप शपथ पत्र बनवा लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये शपथ पत्र बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका, जब आप फॉर्म भरते हो एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसके बाद में निकलता है स्टाम्प पेपर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट, तो ये एफिडेविट जिसको बोला जाता है, तो ये एफिडेविट ऐसा होता है, इसमें आपका फोटो लगा रहेगा, एक वकील के द्वारा नोटरी होती है, वो तो आपसे कुछ पैसे लेता है, यहाँ पे ये टिकट लगा देता है, तो यहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये के टिकट लगते हैं, ये टिकट उसमें लग जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स पे, ये उसी का एक और पेज रहता है, उसमें जो वकील होता है उसको यहाँ पे पेज में देखिए, ये पूरा लिखता है इंग्लिश में, साइन करके पूरा ये करता है, उसके साइन होते हैं यहाँ पे जो नोटरी करता है। इसके बाद में अगला पेज आता है रोजगार पंजीयन, मतलब आपको ये कंप्यूटर सेंटर से बनेगा। ये कैसे बनेगा, 50-60 रुपये आप किसी कंप्यूटर वाले से बोलिए कि मेरा रोजगार पंजीयन बना दीजिए। क्या होता है रोजगार पंजीयन में, ये रहेगा कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार ऑनलाइन पे आपके एक बार में हो जाएंगे, कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है तो रोजगार पंजीयन आप लगाएंगे तो इससे आपका इसका निकल जाएगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट आपका ये रहेगा रोजगार पंजीयन, ये रोजगार पंजीयन हो गया। टोटल डॉक्यूमेंट्स 11 थे, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आपका सबसे पहले देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड आया वो रहेगा, एडमिट कार्ड के बाद में आपका जो आपने फॉर्म डाला था एप्लीकेशन रहेगा, इसके बाद में आपका 10B की मार्कशीट, 12B की मार्कशीट, आधार कार्ड। ठीक है, इसके बाद में रहेगा आपका स्थानीय मूल निवासी, इसके बाद में आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद में आपका रहेगा चरित्र प्रमाण पत्र मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद में रहेगा आपका एफिडेविट, ठीक है, जो स्टाम्प पेपर निकलेगा, इसके बाद में आपका रहेगा रोजगार पंजीयन, तो ये यहाँ पे रोजगार पंजीयन हो जाएगा, इसके बाद कुछ रहेगा बस, ठीक है, आधार कार्ड। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। इसके बाद में सर मैरिट सर्टिफिकेट बाद में बनता है, सर आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड अभी नहीं बाद में लगेगा, आपको पासबुक बाद में लगेगा, अकाउंट खुलवाना बाद में खुलेगा, इसके बाद कोई कहता है आय प्रमाण पत्र, तो आय अभी नहीं लगेगा, आय भी आपको बाद में बनवाया जाएगा। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप अच्छे से लिख के रख लें, जब भी आप आर्मी की कभी भी तैयारी करें तो इन डॉक्यूमेंट्स को पहले सर्च करें ये आपके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप अंदर भर्ती में नहीं जा सकते हो,
और आपका एडमिट कार्ड दिखा के आपको अंदर दौड़ने के लिए दिया जाएगा। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको हमारे द्वारा जानकारी दी गई है, क्या समझ में आई है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स कमी रहता है तो स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं हमेशा आपको आर्मी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं था गौरव यादव, गौरव फिजिकल अकेडमी गुना से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन होती है आप उसको दबा दें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। आर्मी पुलिस से लेकर जो भी आपकी डिफेंस की तैयारी रहती है, सभी की तैयारी के लिए आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। मैं था गौरव यादव। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।